गाइस वेलकम टू मिस्टर रफीक यूट्यूब चैनल उड़ान। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूं। मैं महेश सिंह और मैं अभी पटना एम्स में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हूं। तो मैं यहां पे एम्स में जॉब कर रहा हूं। यहां पे उड़ान की टीम मौजूद नहीं है, यहां पे मिस्टर रफीक मौजूद नहीं है क्योंकि वह यहाँ से बहुत दूर पर हैं। मेरा ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा जो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड कोर्स करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी यूज़फुल वीडियो होगा। तो ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। उड़ान टीम से तरफ से मेरे से कुछ क्वेश्चन है जो उन्होंने मुझसे पूछा है, तो सब मैं क्वेश्चन भी बोलूँगा और मैं आंसर भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले उनका क्वेश्चन है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने। उनका उड़ान टीम का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने। तो मैं बता दूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए सबसे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो और भी बेटर है। उसके बाद आप एक वन ईयर का कोर्स है इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ADIS। अगर आपका इंटर क्वालिफाई हुआ है तो ADIS होगा, अगर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है तो आप PG डिप्लोमा इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी में करेंगे। आप वन ईयर का कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में, इंडस्ट्रीज में आप अपने रिज्यूमे देंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप जॉब कर सकते हैं फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का। उड़ान टीम का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे से कि फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर में आपकी डेली का ड्यूटी क्या होता है। तो मैं आपको अपना डेली का ड्यूटी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मुझे पंप रूम जाना होता है। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा लास्ट में, मेरे इनका क्वेश्चन का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं लास्ट में आपको पंप रूम सारा कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पंप रूम जाना होता है, वहाँ पे प्रेशर मेंटेन करना होता है, प्रेशर देखना होता है, सारा जो पंप लगे हुए हैं सबको ऑपरेट करके चेक किया जाता है कि सारे एक्टिव है कि नहीं इमरजेंसी में काम आने के लिए। उसके बाद मैं राउंड पे निकलता हूँ, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर डिटेक्टर जो भी लगा हुआ है, हाइड्रेंट है, जितना भी लीडिंग वाल्व लगा है, क्रेंटिंग हेड, सबको चेक करना है, जितना एक्सटिंग्विशर लगे हैं सबको चेकलिस्ट इंस्पेक्शन करना रहता है, उसमें हम मंथली टैग लगाते हैं, ये हमारा ड्यूटी है। यहाँ एम्स की बात करूँ तो पूरा एम्स में लगभग 2000 इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, तो सबको चेक करना, सबका प्रेशर गेज, सबका फिजिकली इंस्पेक्शन करना, टैगिंग करना, ये सारा कुछ करना है। ये सब यहाँ पे कोई ऐसा होता, किसी का रिफिलिंग कराना होता है, सबका लिस्ट बना के लाता हूँ, मैं ऑब्जर्व करके लाता हूँ, ये हमारी ड्यूटी है दिन भर का। और हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि एक वार्ड में जा जाके सबको फायर पास सिस्टम, रेस सिस्टम, रेस के सिस्टम के बारे में बताते हैं, अगर इमरजेंसी फायर लगता है तो क्या क्या स्टेप लेना है आपको, ये सारा कुछ हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी तो कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ MS ऑफिस के बगल में एक फायर का ट्रेनिंग हुआ था, इमरजेंसी फायर हो तो क्या करना है, तो यही है ड्यूटी, मज़ा आता है करने में। उड़ान टीम से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी है। हाँ, रही बात सैलरी की तो मैं बता रहा था यहाँ पर हम लोग के स्टार्टिंग में 22,000 मिल रही है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ पंप रूम दिखाता हूँ। मैं ले चल रहा हूँ आप लोग को पंप रूम में। ये हम आ गए हैं अपने पंप रूम में। ये यहाँ पे चार पंप लगे हुए हैं, ये डीजल इंजन पंप है जो कि अगर लाइट नहीं है तो डीजल से चलती है, और ये हमारा लगा हाइड्रेंट पंप, ये है हाइड्रेंट पंप, और ये है स्प्रिंकलर पंप, और ये चौथा हमारा ये है ज्योति पंप। ये चार पंप लगे हुए हैं। ये देखिए इसका पैनल है, स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका पंप सिस्टम है, और ये यहाँ पे वाटर रिजर्वर के लिए 1,00,000+ लीटर का टैंक है जो कि ऊपर में है, यहाँ से वाटर सप्लाई होता है। और पूरे हमारे ये जो स्प्रिंकलर पंप है जो भी यहाँ पे पूरे एम्स में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, उसमें सारा प्रेशर हमको यहाँ देखना रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 7 kg प्रेशर मेंटेन होता है, हमको 7 kg प्रेशर मेंटेन करके आप बंद कर देते हैं। हाइड्रेंट पंप और स्प्रिंकलर पंप ये दोनों मेन पंप होता है, ये हाइड्रेंट पंप और ये स्प्रिंकलर पंप है, ये दो मेन पंप होता है, और ये आपका जो जॉकी पंप है, ये है जॉकी पंप। इसका काम है कि प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ये ऑटो मोड में रहता है, ऑटोमेटिक मोड में रहेगा, जहाँ ये जो प्रेशर गेज लगा हुआ है उसमें अगर प्रेशर कम होता है ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर 5 kg से नीचे प्रेशर हुआ ऑटोमेटिक ये पंप चलने लगेगा और मेंटेन कर देगा प्रेशर। तो आप लोग देख लें ये एम्स का पंप रूम है। अगले क्वेश्चन जो उड़ान की टीम तरफ से मेरे लिए आया है मैं उस पर बात करता हूँ। तो गाइस
टीम उड़ान की तरफ से अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने मेरे से पूछा है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से अपना फायर इंस्ट्रक्टर कोर्स कंप्लीट किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पटना में महेंद्रू में है डायनेमिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मैंने वहाँ से अपना स्टडी कंप्लीट किया है। और वहाँ पर इस लेवल की पढ़ाई होती है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं इजली अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं अपना बताता हूँ, यहाँ एम्स में मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे से लगभग 7 क्वेश्चन पूछा गया था, 7 क्वेश्चन मैंने इजिली सॉल्व किया। क्योंकि जो हमारे इंस्टीट्यूट में जिस लेवल का पढ़ाई होता है ना, आप वहाँ अगर डेली क्लास करते हैं तो आप कोई भी इंटरव्यू इजिली आप क्वालिफाई कर पाएंगे। वहाँ जो हमारे ट्रेनर सर हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सर नौसाद सर, वो इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, इतना इको फ्रेंडली हो जाते हैं एकदम, कि आपके अंदर कोई भी डाउट आप इजिली पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहता है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में आ रहा है आप पूछ लेते हैं। और यही प्लस पॉइंट है कि आपके मन में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट नहीं रहता है और आपकी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाती है और आप उस लेवल की आपका क्वालिफिकेशन और आपका उस लेवल की तैयारी हो जाती है कि किसी भी आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो इजिली आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं। जहाँ तक की बात करूँ, इंस्टीट्यूट में हमारे टीबीटी का ट्रेनिंग होता है, बहुत से जो भी डॉक्यूमेंट करने रहते हैं फायर एंड सेफ्टी में, जॉब के टाइम में हमको डॉक्यूमेंट का काम भी करना होता है, हम लोग को परमिट इशू करना रहता है, चेकलिस्ट बनना होता है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना होता है। सेफ्टी में तो बहुत सारा कुछ है, फायर में भी होता है, यहाँ पे टैगिंग वगैरह करना होता है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना होता है, ये सारा कुछ का ट्रेनिंग आपको डायनेमिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में दिया जाता है। सारा कुछ का टीबीटी भी होता है और फर्स्ट एड की होती है अलग से, फर्स्ट एड का भी वहाँ पे आपको तैयारी कराया जाता है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कहें तो कम्प्लीटली आपको ऐसा आपको ट्रेंड किया जाएगा, आपको ऐसे आपकी तैयारी ऐसी होगी, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि आप किसी भी इंटरव्यू में आप इजली उसको क्वालिफाई कर लेंगे और जॉब कर लेंगे, जॉब ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वहाँ से कोर्स किया और अभी मैं एम्स में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगता है। और सर का भी वहाँ डायनेमिक इंस्टीट्यूट में क्लास करने में भी अच्छा लगता है, सब फ्रेंडली हैं, सारे दोस्त भी जो भी आते हैं क्लासमेट एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं, अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है। और यही कारण है कि वहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं अभी तक अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। एज पर एग्जाम्पल मुझे ले लीजिए, मैं एम्स में अभी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग में साथ डिस्कस की थी, आपका अगर इंटर क्वालिफाई किए हैं, एडवांस डिप्लोमा करिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसके साथ आपका पीजी डिप्लोमा होगा, पीजी डिप्लोमा करिए। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर साइंस स्ट्रीम से है, आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है, आपके लिए और भी अच्छा है। इसके लिए आपका बेसिकली आप इंटर क्वालिफाई करें और आप ये कोर्स कर सकते हैं, उस कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जॉब टाइमिंग क्या होती है। तो पटना एम्स में मैं आपको बता दूँ, यहाँ 3 शिफ्ट चलता है, एक सुबह 6 से 2 बजे तक चलता है और एक दूसरा शिफ्ट 2 बजे से नाइट 10 बजे तक, और एक जो तीसरा शिफ्ट होता है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता है। तो 3 शिफ्ट में यहाँ काम होती है, मेरा अभी 20 शिफ्ट में चल रहा है 2 से 10, और हर 7 डेज के बाद आपका शिफ्ट चेंज हो जाता है। जैसे आप 20 शिफ्ट में हैं तो सी में चल जाएंगे और सी में है तो ए में आ जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे टाइमिंग 8 घंटा का है, 8 घंटा जॉब करना रहता है जिसमें 1 घंटा लंच ब्रेक होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उड़ान टीम को सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।